नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या गैनी से न्यूज के साप्ताहिक राशिफल की कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहे। दर्शकों, ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 14 अगस्त से 20 अगस्त तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, इस सप्ताह इस राशि के जातकों का समय लगभग शुभ रहेगा। जातक के महत्वपूर्ण कार्य बनने पर इस सप्ताह जातक उत्साहित महसूस करेगा। राहु जातक के कार्य को उलझाए रखने की भूमिका निभाने वाला ग्रह है, अर्थात जातक के कार्य को पटरी पर आने में अनेक तरह का अवरोध खड़ा करने की भूमिका निभा सकता है। लेकिन उच्च के सूर्य के कारण जातक अपनी सूझबूझ एवं कर्मठता से विषम परिस्थितियों को पटरी पर लाने में सफल हो सकता है। जातक यदि सोच समझ कर बाजार एवं शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो लाभ की स्थितियां बन सकती है, लेकिन थोड़ी सावधानी बनाए रखें, किसी भी तरह के जोखिम से बचे। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ाकर करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि, इस सप्ताह इस राशि के जातकों का समय लगभग अनुकूल रहेगा। भाग्य जातक का साथ देगा। जातक अपनी बातचीत की कला से लोगों को मोहित करने में सफल हो सकता है। संगीत कला से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल हो सकता है। जातक की ख्याति में वृद्धि होगी। घूमने फिरने का अवसर मिल सकता है। भाग्य में वृद्धि के भी प्रबल योग है, जिससे जातक को कोई बड़ा प्रमोशन या जातक का कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। बाजार एवं शेयर मार्केट की दृष्टि से सप्ताह अनुकूल है, इसलिए इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश से स्थितियां अधिक अनुकूल हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पर सप्ताह की शुरुआत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके करें। मिथुन राशि, इस सप्ताह इस राशि वालों का समय अनुकूल रहेगा। भाग्य जातक का साथ देगा। जातक के कई कार्य पटरी पर आ सकते हैं। देश विदेश की यात्रा के भी प्रबल योग बनते नजर रहे हैं। जातक यदि बाजार की स्थितियों को समझते हुए पूंजी निवेश करेगा तो बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है। कार्य योजनाओं को विस्तार देने एवं उसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने में जातक को बड़ी सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। आपके लिए शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा रहेगा। मिथुन राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर करें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। इस सप्ताह इस राशि के जातकों के सामने थोड़ी परेशानी आ सकती है, जिससे थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। यदि जातक सूझबूझ से कार्य करेगा तो स्थितियों को पटरी पर लाने में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल बनाए रखें। अधिक उम्र वाले शुगर एवं ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी से परेशान हो सकते हैं। सावधानी बनाए रखें। वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं, नहीं तो चोट चपेट का योग बन सकता है। इस सप्ताह आप सूझबूझ से कार्य करें। आपके लिए शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत पेड़ पौधों में जल डालकर करें। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। इस सप्ताह इस राशि वालों का समय भाग्यवर्धक रहेगा। जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी सेवा क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन आदि का योग बन सकता है। जातक यदि राजनीति में होगा तो बड़े पद पर पहुंचने का योग बनता नजर आ रहा है। व्यवसायिक दृष्टि से भी सप्ताह उत्तम है। देश विदेश की यात्रा करने का प्रबल योग है। धार्मिक यात्राओं का भी योग बनते नजर आ रहे हैं। लोक कल्याण के कार्यों में भी जातक का मन लगेगा। आपके लिए शुभ अंक 9, शुभ रंग कत्थई रहेगा। आप इस सप्ताह की शुरुआत मंदिर का प्रसाद खा कर कर सकते हैं। सप्ताह अच्छा जाएगा। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, आपका यह सप्ताह अनुकूल बीतेगा। इस सप्ताह कुछ बड़े निर्णय अपने परिवार के बारे में आप ले सकते हैं। आपके बिगड़े संबंध सुधरने वाले हैं। परिवार के साथ माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर इस सप्ताह बड़ी जीत प्राप्त होगी। संपत्ति में वृद्धि होगी। वाहन और आभूषण सुख मिलने वाला है। अविवाहितों के विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। नए प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। करियर में भी सफलता मिल सकती है। परिवार में सुख शांति बनाए रखें।
आपके लिए शुभ अंक 6 शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रदेव को जल अर्पित करके करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत सुखद और लाभदायक रहने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा, शारीरिक रोग दूर होंगे, रोगों पर हो रहे खर्चों में कमी आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में कोई बड़ा पद मिल सकता है, सर्वत्र आपके कार्यों की सराहना होगी, आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। राशि स्वामी शुक्र के कर्क राशि में रहने का लाभ आपको मिलता नजर आ रहा है। पिता पक्ष की ओर से धन लाभ होगा, दाम्पत्य और प्रेम संबंधों में मजबूती भी आएगी, आपको कुछ उपहार भी मिल सकता है। आपके लिए शुभ अंक 7 शुभ रंग नीला रहेगा। जातक इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप करके करें। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। आपको इस सप्ताह आय के नए साधन प्राप्त होंगे। वर्तमान में जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस, उसमें उन्नति होगी। नौकरी पेशा का प्रमोशन के साथ स्थानांतरण हो सकता है। आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे, संपत्ति को खरीदी करेंगे, मित्रों के साथ मिलकर किसी बड़ी योजना पर काम करेंगे। अविवाहितों के विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुराने रोग कुछ कम होंगे और शांति प्राप्त होगी। परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। आपके लिए शुभ अंक 8 शुभ रंग लाल रहेगा। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत में किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी पुस्तक भेंट करके करें। अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि, आपके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। धन लाभ के योग भी नजर आ रहे हैं। सोच समझ कर निवेश करें। आपके लिए सलाह है कि इस सप्ताह साझेदारी में कोई काम न करे तो बेहतर रहेगा। पुराने अनुभवों से सीखे और सही समय पर सही निर्णय लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, सभी का सहयोग प्राप्त रहेगा, रोग दुख दूर होंगे, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, पारिवारिक माहौल अच्छा बने रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। चलिए अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि, इस सप्ताह आप अपनी वाणी का प्रभाव दिखाते हुए धन अर्जित करेंगे। परिवार की ओर से सुख प्राप्त होगा। अष्टम भाव पर शारीरिक रोगों का संकेत है। बाहरी खान पान का ध्यान रखें। कार्य में बदलाव का भी संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में बदलाव के संयोग नजर आ रहे हैं। धन आने के नए मार्ग मिलेंगे। इस सप्ताह फंसा हुआ धन भी लौट कर आ सकता है। मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, साझेदारी में कार्य करने से सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपके लिए शुभ अंक 2 शुभ रंग काला रहेगा। इस हफ्ते को शानदार बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। यह सप्ताह आपके लिए खुशहाली भरा रहने वाला है। लंबे समय से जिन कार्यों के पूरा होने की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह इस सप्ताह पूरा हो जाएगा। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे और यात्राओं पर भी जा सकते हैं। मांगलिक प्रसंगों में शामिल होंगे। नौकरी में उन्नति के योग बनते नजर आ रहे हैं, किंतु स्थानांतरण के भी योग हैं। व्यापार में नए आयाम स्थापित करेंगे। भूमि भवन की खरीदी के लिए योग अच्छे हैं। संपत्ति को लेकर भाई बहनों से चल रहे विवाद का निपटारा भी होगा। मन सकारात्मकता से भरा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग सफेद रहेगा। जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंदन का तिलक लगाकर करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि, आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत लाभप्रद रहेगा। अनेक सुअवसर मिलने वाले हैं। धन की वृद्धि भी हो सकती है। अपनी वाणी के प्रभाव से धन आप अर्जित करेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। दाम्पत्य और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नए कार्यों से धन अर्जित करेंगे। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। रोग दूर होंगे। मित्रों के साथ पर्यटन पर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस राशि के विद्यार्थी वर्ग प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलताएं मिलने वाली है। परिवार में एकता बनाकर रखें। आपके लिए शुभ अंक 8 शुभ रंग नारंगी रहेगा। आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करके करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर हर हफ्ते इसी तरह बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।